नासा की उपलब्धियों को कौन नहीं जानता। नासा ने ऐसे कई मिशंस को अंजाम दिया जिन्होंने स्पेस को लेकर मानव की समझ के दायरे को बदला। लेकिन इसी बीच कई ऐसे मिशंस रहे जिसमें नासा के हाथ केवल निराशा लगी। अपने मिशन और खोजों को लेकर नासा हमेशा से ही आशावादी रहा। नासा की दिलचस्पी हमेशा से ही ऐसे राज जानने में रही जिससे अंतरिक्ष के नए रहस्यों का खुलासा हो। इन्हीं खोजों को दूसरे पड़ाव पर ले जाने के अपने शुरुआती दौर में नासा ने कई स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और सफलता भी हासिल की। इस पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए जनवरी 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसने नासा की रिसर्च और स्टडीज पर सवाल खड़े कर दिए। ये मिशन इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं नासा से लॉन्च हुए स्पेस शटल चैलेंजर की, जिसने अंतरिक्ष में अपनी 3 साल की यात्रा के दौरान 9 बड़े मिशंस को पूरा किया। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में 62 दिन 7 घंटे और 56 मिनट बिताए। CBS टीवी नेटवर्क के मुताबिक अंतरिक्ष में स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर स्पेस वॉक को आयोजित करने वाला चैलेंजर पहला स्पेसक्राफ्ट था। नासा की महत्वाकांक्षी स्पेसक्राफ्ट का सफर तब हमेशा के लिए खत्म हो गया जब वो अपने 10वें लॉन्च के दौरान 73 सेकंड्स में ही तहस नहस हो गया और इसके भीतर बैठे 7 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टेस्ट व्हीकल टू स्पेस व्हीकल। केनेडी स्पेस सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार नासा ने चैलेंजर को टेस्ट व्हीकल बनाने के इरादे से बनाया था। रॉकवेल इंटरनेशनल एयरोस्पेस कंपनी द्वारा इसे बनाने का काम 1975 में शुरू कर दिया गया। इसके बाद इसे लॉकहीड मार्शियन एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी को सौंप दिया गया, जिसने इसकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग पर मूलभूत रूप से काम किया। नासा के अनुसार उस समय के कंप्यूटर मॉडल इतने सक्षम नहीं थे कि उड़ान के कई चरणों के दौरान शटल पर पड़ने वाले फोर्स की कैलकुलेशन कर सके। चैलेंजर के नाम से जाने जाने वाला ये स्पेसक्राफ्ट उस समय STA-099 के नाम से जाना जाता था। 11 महीने की वाइब्रेशन टेस्टिंग के बाद नासा का मानना था कि कस्टम डिजाइन की गई ये मशीन शटल की उड़ान से लेकर लैंडिंग तक सभी चरणों पर खरी उतर सकती है। इस मशीन में 3 हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर लगाए गए थे जिनमें 1 मिलियन LBS फोर्स था। इन सिलेंडर को स्पेस शटल के मेन इंजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1979 में नासा ने रॉकवेल इंटरनेशनल को एक टेस्ट व्हीकल को स्पेसक्राफ्ट में तब्दील करने का सप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रॉकवेल ने 2 और साल का वक्त लिया। इस काम में वर्कर्स को स्पेसक्राफ्ट के विंग्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। 23 अक्टूबर 1981 तक इस स्पेसक्राफ्ट का काम पूरा हो चुका था। डिलेज फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। यूं तो चैलेंजर को 20 जनवरी 1983 तक ट्रैकिंग और डेटा रिले सैटेलाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते लॉन्च को पीछे धकेल दिया गया। दिसंबर में अपने पहले टेस्ट के दौरान नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट के पहले इंजन में एक हाइड्रोजन छेद को पाया। फिर दूसरे टेस्ट के शुरुआती दौर में नासा को स्पेसक्राफ्ट में एक और गड़बड़ी मिली। उन्होंने पाया कि इंजन में किसी क्रैक के कारण स्पेसक्राफ्ट से हाइड्रोजन लीक हो रही है। इस खराबी को सुधारने में नासा को कई महीनों का समय लग गया, जबकि इसके दूसरे और तीसरे इंजन में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं पाई गई। ऐसे में नासा ने इसके पहले इंजन को बदलना ही सही समझा। इतनी तकनीकी दिक्कतों के चलते ही इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में एक बड़ा बदलाव आया। कल्चरल एंड टेक्निकल फर्स्ट्स। अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के माइलस्टोन में चैलेंजर ने नासा को कई पहले रिकॉर्ड दिए। इस लिस्ट में नाम आता है पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड का, जो जून 1983 में STS-7 पर चैलेंजर पर सवार हुई। दूसरा नाम आता है पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट गायन ब्लूफोर्ड का, जो STS-8 पर अंतरिक्ष में पहुंचे। चैलेंजर डिजास्टर। जनवरी 1986 की सुबह का समय था जब चैलेंजर अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला था, लेकिन सुबह तापमान इतना गिर गया कि शटल के कुछ इंजीनियर्स को स्पेसक्राफ्ट के सॉलिड स्पेस बूस्टर्स की चिंता सताने लगी। इसके बाद चैलेंजर ने सुबह 11:38 पर उड़ान भरी। नासा के इस प्रोजेक्ट ने पहले से ही मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था, क्योंकि ऐसा पहली बार होने वाला था कि कोई टीचर एक स्पेस मिशन का हिस्सा बन रही थी। ये पहली महिला क्रिस्टा मैकॉलिफ थी,
यही कारण था कि इसके लॉन्च को एक बड़ी मीडिया कवरेज मिली हुई थी। चैलेंजर की लॉन्चिंग को सभी चैनल्स के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा था और लॉन्चिंग के 73 सेकंड्स में ही इस स्पेसक्राफ्ट के आसमान में चिथड़े उड़ गए। रेस्क्यू टीम द्वारा कई हफ्तों तक स्पेसक्राफ्ट के मलबे को ढूंढने का प्रयास किया गया, साथ ही मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स के डेड बॉडीज को भी खोजने का प्रयास चलता रहा। ऐसे में जिन अवशेषों की पहचान की जा सकी उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया, जबकि बाकी को 20 मई 1986 को एर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में चैलेंजर क्रू के मॉन्यूमेंट के रूप में दफना दिया गया। कल्चरल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इस घटना की बारीकी से जांच के लिए फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम पी रोजर्स की अगुवाई में एक प्रेसिडेंशियल कमीशन का गठन हुआ, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने भी हिस्सा लिया। इस कमीशन ने घटना के तकनीकी पहलुओं पर बात कर इसके मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश की। जांच में ये बात सामने आई कि इस घटना के लिए काफी हद तक ठंडा मौसम जिम्मेदार था, जिसने सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स की सील को बहुत नुकसान पहुंचाया। दरअसल रॉकेट बूस्टर्स को ऐसे डिजाइन किया गया था कि शटल को ऑर्बिट में लाया जा सके। इस घटना के बाद नासा ने अपने शटल में कई तकनीकी बदलाव किए और शटल के वर्कफोर्स पर भी बेहतर तरीके से काम किया। आज भी इस मिशन के बचे हुए टुकड़े केप कनावरल एयरफोर्स स्टेशन में संरक्षित करके रखे गए हैं। चैलेंजर के विस्फोट ने अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम को कई तरीकों से बदल दिया। अंतरिक्ष में नागरिकों को भेजने की योजना को अगले 22 साल के लिए विराम दे दिया गया। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को लेकर कई बदलाव किए गए। नासा हर साल जनवरी में डे ऑफ रिमेम्बरेंस पर चैलेंजर के अंतिम क्रू और खोए हुए सदस्यों को याद करता है। कैनेडी स्पेस सेंटर में आने वाले यात्री आज भी चैलेंजर मिशन के मलबे को देख सकते हैं, जिसे फॉरएवर रिमेम्बर्ड के नाम से संरक्षित करके रखा गया है। इसे 2015 में खोला गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।